हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे सेबी का जो न्यू मार्जिन रूल आया है उसके बारे में, और उनसे किन लोगों को बेनिफिट होगा और किन लोगों को उसका डिसएडवांटेज या नुकसान होगा। तो सबसे ज़्यादा नुकसान तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेडर या जो ज़्यादा से ज़्यादा मार्जिन यूज़ करते थे। ब्रोकर हमें बहुत सारा मार्जिन देते हैं, जैसे 10 गुना 20 गुना। तो मार्जिन के ऊपर नया रूल निकला हुआ है, तो उसके बारे में हम अच्छे से जान लेंगे विद एग्जांपल। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये 1 सितंबर से इम्प्लीमेंट हो चुका है। ठीक है, मार्जिन रूल। और यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास अगर आपको रिलायंस शेयर बाय करना है रिलायंस इंडस्ट्री के फ्यूचर में या स्टॉक में भी अगर लेना रहेगा, 1 लाख का लेना है, तो 1 लाख अगर उसका वर्थ है तो उसके लिए आपको मार्जिन जो चार्ज होगा वो 20%। यानी 1 लाख का अगर हमको रिलायंस ख़रीदना है तो 20% हमारे पास होना चाहिए, जो मेंटेन होना चाहिए, मतलब 20,000 रुपीज़ हमारे पास होनी चाहिए। और वो स्टॉक ब्रोकर के जो स्टॉक अपना डीमैट अकाउंट है, डीमैट अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट जो भी है, उसमें आपका ये फंड होना चाहिए, मार्जिन अवेलेबल होना चाहिए। पहले क्या होता था, मार्जिन कम मार्जिन में भी हम 10 गुना 20 गुना चीज़ें, तो यहाँ पे कितना गुना का चीज़ हम खरीद सकते हैं, तो 5 गुने वाले 20,000 पे हम लोग 1 लाख की क्वांटिटीज़ खरीद सकते हैं, शेयर्स खरीद सकते हैं। तो ये एक एग्जाम्पल हो गया। तो बाकी कोई कुछ नहीं, जो पहले ज़्यादा से ज़्यादा कमा पाते थे इंट्राडे ट्रेडर्स, वो अभी इतना नहीं कमा पाएंगे। क्यों? क्योंकि उनको कम मार्जिन, कम प्रॉफिट होगा और कम खेलने मिलेगा उतना प्रॉफिट कमाने के लिए। ठीक है, क्योंकि वो उनका मार्जिन ही कम लगने वाला है उसकी वजह से। ठीक है, तो देखते और एग्जांपल है, जैसे कि मैं आपको ज़ीरोधा के साइड पे लेके जाता हूँ, ये ज़ीरोधा का साइड, और यहाँ पर हम देखते हैं फॉर एग्जांपल मैं ऑलरेडी ये ओपन करके रखा था पेज मैंने, तो इस पर आप देख सकते हो कि आरती इंडस्ट्री का 30 सितंबर का फ्यूचर है। तो फ्यूचर मुझे और उसका एक लॉट साइज़ है 850, और मुझे वो ख़रीदना है, तो मुझे कितना मार्जिन लगेगा? तो यहाँ पर आप देख सकते हो जितना यहाँ पर बताया उतना मार्जिन हमारे पास होना चाहिए। पहले हमारा कम मार्जिन में भी हो जाता था, लेकिन आप यहाँ पर टोटल में भी देख सकते हैं, यहाँ पर भी देख सकते हैं, तो इतना मार्जिन हमें लगेगा। और अगर हमको, और ये फ्यूचर की बात थी, अगर हमें इक्विटीज़ में देखना है तो इक्विटी में यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो, स्टॉक ब्रोकर कैन एक्सेप्ट सिक्योरिटीज़ एज मार्जिन फ्रॉम क्लाइंट ओनली बाय वे ऑफ प्लेज। प्लेज के थ्रू ही मार्जिन ले सकता है, दूसरे कोई वे से नहीं ले सकते। अगर लेना है तो मार्जिन, अगर हमने, हमारे पास अगर मार्जिन नहीं है उतना, तो हमने कुछ शेयर्स खरीदे होते हैं, तो शेयर्स को है ना हम प्लेज कर सकते हैं। प्लेज मतलब वो गिरवी रख सकते हैं, ब्रोकर के पास गिरवी रख सकते हैं, और हमारा मार्जिन जो है वो हम उसमें से यूज़ कर सकते, जो पैसे है वो यूज़ कर सकते, तो उसलिए ये मार्जिन यूज़ हो सकता है हमारा। ठीक है, तो ये एक रूल है, और इस हिसाब से हम देखते हैं कि स्टॉक्स पे शेयर्स खरीदने, स्टॉक्स खरीदने हमें, तो कितना मार्जिन। यहाँ पे आप देख सकते हो, सब यहाँ पे दिखाया हुआ है, हर किसी के लिए 20% मार्जिन। अगर ब्रोकर ने 20% मार्जिन सेट करके रखा हुआ है, इट मीन्स हमको 20% मार्जिन हमारे पास रखना होगा। और लीवरेज कितना मिलेगा? 5 गुना, मतलब 5 गुना, जैसे हमने रिलायंस का अभी एग्जांपल देखा था, उसी टाइप में ये रूल है। ठीक है, मतलब 1 लाख की अगर स्टॉक खरीदने, शेयर्स खरीदने, आरती ड्रग्स के भी खरीदने, तो हमको 20% मतलब 20,000 हमारे पास मार्जिन होना चाहिए। अगर मार्जिन नहीं है तो हम, हमारे पास अदर ऑप्शन है कि हम स्टॉक्स को प्लेज कर सकते हैं, यानी गिरवी रखकर हम वो स्टॉक खरीद सकते हैं जो हमें खरीदना है। ठीक है, ऑलरेडी जो हमारे पास शेयर्स होंगे किसी और कंपनी के, तो उसको हम प्लेज करके, गिरवी रख के हम शेयर्स खरीद सकते हैं। तो ये है सेबी का न्यू रूल, न्यू मार्जिन, शॉर्ट एंड सिंपल में। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।